Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Dipen Gogoi. तो आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज और देखेंगे आप जिंक में कहाँ पे एंटी कर सकता है शॉर्ट या लॉन्ग में, तो उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जिंक आज पिवट पॉइंट 181.4, फर्स्ट रेजिस्टेंट 184.56 एंड सेकंड रेजिस्टेंट 187.70 एंड थर्ड 189.26 and first support 179.8, second support 176.7 and third support 175.16. तो आप देख सकते हैं ये जिंक जो मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन प्रीवियस दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लाइन दिया था, वहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन हमें देखना है मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये डेली में आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे 51.50 ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई आप देख सकता है, तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे मार्केट ये जो रीजन है यहाँ से क्या ऊपर जा सकता है या नीचे फिर से आ सकता है, उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो वो देखेंगे तो हम CCI और स्टॉकस्टिक से हमें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इसलिए हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर में देखेंगे, तो 4 आवर में आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से एक आसपास में आपको दिखाई दिया होगा, मुझे लगता है ये एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है ये एरिया में, तो अराउंड 186.13 में, तो यहाँ से फिर से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अगर फिबोनाची यूज़ करें करके यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लेवल है तो ऑलमोस्ट 161, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है मार्केट जब मतलब नीचे आता है तो एक वेब 161 जो परसेंटेज होता है देख सकता है यहाँ पे, सॉरी 61% रिट्रेसमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल होता है 61, वहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस ज़्यादा होता है। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ सकता है आज, तो इसलिए हम देखेंगे 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं, सॉरी इसको मैं फिबोनाची को थोड़ा हटा लेता हूँ। तो हम 15 मिनट में हम देखेंगे, 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट जहाँ ओपन हुआ था उससे नीचे आ गया, तो नीचे मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे एक अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मेथड जो होता है, तो प्राइस एक्शन मेथड से यहाँ से हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो बाद में मुझे लगता है ये अराउंड है 180 का लेवल का आसपास मार्केट नीचे आने का चांसेस है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट दे के फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप थोड़ा देर वेट करना मुझे लगता है सही रहेगा, क्योंकि मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट करने का चांसेस ज़्यादा आ रहा है और CCI और स्टॉकस्टिक भी कन्फर्म कर रहा है कि ये मार्केट नीचे आने का चांसेस मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमें वेट करना है। तो ये अराउंड 180 का आसपास आने के लिए, तो यहाँ से जब से मार्केट हमें बाय का सिग्नल मिलेगा तो तब हम बाय में जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।